हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स विधानसभा चुनाव के बाद यानी कि अप्रैल में होने की संभावना बनी हुई है। जी दोस्तों, 2022 बोर्ड एग्जाम 2022 यूपी बोर्ड की आप सभी के अप्रैल में होने की संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों पूरा न्यूज जरूर देखिए यहाँ पर, मतलब कि आप सभी को इसी वीडियो में हर मिनट एक नया नया जानकारी देखने को मिलेगा। बहुत ही अहम वीडियो है ये, आप सभी को अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, चूंकि विधानसभा चुनाव मार्च में होने की उम्मीद है, ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 24 अप्रैल के आसपास शुरू हो सकती है। जी दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज है कि 24 अप्रैल के आसपास सभी के बोर्ड एग्जाम शुरू हो सकते हैं। डेट शीट इसी तरह बनाई जा रही है कि 16 से 18 दिनों में आप सभी के बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाए, यानी कि आप सभी को ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला अप्रैल में। 16 से 18 दिनों में आप सभी के बोर्ड एग्जाम ले लिए जाएंगे, यानी कि आप सभी का डेट शीट इसी तरह बनाया जा रहा है कि 16 से 18 दिन में आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे और आप सभी को ज़्यादा रैप नहीं मिलने वाला है अपने हर सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2022 साल CBSE और ICSE अन्य राज्यों के बोर्ड दो बोर्डों परीक्षाओं का आयोजन करेगा सहित कई बोर्डों ने तारीखों की घोषणा करने जा रही है। हालांकि यूपी बोर्ड ने परीक्षा के अपने तरीके और ना ही प्रयासों की संख्या की घोषणा नहीं की है, यानी कि इस साल आप सभी के CBSE और ICSE जैसे दो बोर्ड एग्जाम तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी जो आप सभी के लिए न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी के इस साल एक ही बोर्ड एग्जाम सुन रहे हैं। हाँ, हो सकते हैं कि आगे आने वाले समय में यानी कि अगले साल के आप सभी के दो बोर्ड एग्जाम्स हों, लेकिन इस साल आप सभी के एक ही बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाएं विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगी। हिंदुस्तान से बातचीत में डिप्टी CM ने बताया है कि इस साल अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अंक यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। जी दोस्तों, ये भी एक बड़ी न्यूज है कि आप सभी के अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अंक UPMSP.edu.in यानी कि यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। हालांकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बाद में होंगी, लेकिन प्री बोर्ड चुनाव से पहले जनवरी में ही पूरी करा ली जाएगी। जी दोस्तों, आप सभी के प्री बोर्ड एग्जाम्स 8 से 10 जनवरी के बीच होने वाले हैं, इसमें आपको कोई भी देर नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि आपके जो एग्जाम्स हैं बोर्ड एग्जाम्स वो अप्रैल में कराए जाने की बात चल रही है, लेकिन आप सभी के प्री बोर्ड एग्जाम जनवरी में ही कंडक्ट करा लिए जाएंगे, तो आप सभी तैयार रहोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरा न्यूज़ क्या है। यहाँ पर न्यूज़ है, आप सभी को क्या क्या बताया गया इसमें। आप जब बोर्ड एग्जाम्स 24 अप्रैल के आसपास शुरू होने वाले हैं और आप सभी के प्री बोर्ड एग्जाम्स 8 से 10 जनवरी के बीच होंगे। आप सभी के बोर्ड एग्जाम 16 से 18 दिनों में कंडक्ट करा लिए जाएंगे और आप सभी के प्री जो अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट है वो भी आप सभी का इस साल बोर्ड के पास गया है। तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिली। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलें।